हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। संभाविता कहते हैं, संभाविता कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि हो सकता है कल वर्षा हो, तो मैं यहां पर एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, डेट मीन्स यहां आपकी एक प्रायिकता हो गई। मैं एक सिक्के को उछालूंगा, मैं कह रहा हूं कि मुझे हेड प्राप्त होगा, लेकिन जब आप सिक्के को उछालेंगे, हेड या टेल दोनों में से कोई आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि हेड ही प्राप्त हो रहा है मुझे, डेट मीन्स यह आपकी एक प्रायिकता होगी। और इस प्रायिकता का मान क्या होगा, तो मैं सिक्के को उछालूंगा तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है, यानी कि दोनों का 50-50% चांस है कि 50% हो सकता है हेड आए और 50% टेल आए, दोनों का 50-50% चांस है। यानी कि अगर इसके प्रायिकता की मान की बात करें तो 50/100 कट के 1/2 आएगा, यानी कि हेड आने की प्रायिकता की बात करेंगे, इस प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता के मान की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो किसी घटना के होने की जो संभावना होती है ना, उसी को हम लोग उसकी प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रायिकता का शुरुआत कहां से हुआ, ठीक है। तो पुराने समय में जो जुआड़ी होते थे, जो जुआ खेलते थे, है ना, जुआड़ी जो होते थे, वो जब जुआ खेलते थे तो वो बार बार हार जाते थे। जब वो बार बार हार जाते थे तो ये इससे परेशान होकर वह अपनी समस्या को लेकर उस समय के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन लोगों के पास गए। जैसे उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात करें तो जैसे आपके गॉस थे, बर्नौली थे, ठीक है, ऑयलर थे, तो इन लोगों के पास ये अपनी समस्या लेके गए। और इन समस्या का, जुआरियों का जो समस्या था कि वो बार बार जुए में हार जाते थे, तो वहीं से प्रायिकता का शुरुआत हुआ, ठीक है। ये अपने समस्या को जब महान गणितज्ञों के पास ले गए तो वहीं से प्रायिकता की शुरुआत हुई, ठीक है, वहीं से प्रायिकता की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम लोग आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में इसका विज्ञान में भी प्रयोग हो रहा है। आप देखते होंगे वैज्ञानिक जो हैं, है ना जी, बहुत सारे प्रयोगों को करने के लिए प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मौसम विभाग भी अपनी जानकारी देने के लिए आप इस प्रायिकता का प्रयोग करता है ना जी। अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है, अर्थशास्त्री भी इसका प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। इंजीनियरिंग में इसका बृहद रूप से प्रयोग होने वाला है, है ना, इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग होने लगा है। तो ऐसे हम लोग बात करें तो इसका हर एक जगह प्रायिकता का अब आधुनिक समय में बृहद रूप से प्रयोग होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और फिर इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखिए, प्रायिकता से रिलेटेड कुछ इसमें परिभाषाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने जितनी भी बातें की, जिस समय जो जुआड़ी थे जो अपनी समस्या लेके गए थे, तो ये सब हम लोग 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि अभी से लगभग 200 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस समय इसका शुरुआत हो चुका था प्रायिकता का, समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्रयोग, प्रयोग कहिए या फिर परीक्षण भी कह सकते हैं, परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट। बहुत जगह इन सब चीजों का हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। वैसे तो हमने क्लास 10th में भी ये सब चीज 9th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा से हम लोग यहां देखेंगे। चलिए, प्रयोग क्या होता है या परीक्षण क्या होता है, ठीक है। मतलब जब हम कोई ऑपरेशन करें और उस ऑपरेशन से हमें सुनिश्चित परिणाम निकले तो उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं कि एक पासे को मैं फेंक रहा हूं, जब मैं पासे को लुढ़काऊंगा तो मुझे ज्ञात है कि वहां पे हमें सुनिश्चित परिणाम जो मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई एक आएगा,
दैट मीन्स यह आपका एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना जी इस चुबासे को फेंकेंगे, एक सिक्के को उछालूंगा तो मुझे पता है कि इसे सुनिश्चित परिणाम ही प्राप्त होंगे, हेयर या टेल ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यह आपका क्या कहलाएगा, प्रयोग कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यानी कि एक पासे को फेंकना, एक सिक्के को उछालना, ये सब क्या है आपके, एक प्रयोग है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसका जिसका सुनिश्चित जिसका सुनिश्चित परिणाम जिसका सुनिश्चित परिणाम निकल आए प्रयोग कहलाता है, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग विज्ञान में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका परिणाम बार बार एक ही हमें प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, तो यह बार बार एक ही चीज हमें प्राप्त होगा। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो हमें बार बार एक ही चीज प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस पासे को फेंके, सिक्के को उछाले, तो हमें परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, दोहराए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, ये भी आपका प्रयोग ही है और ये सब भी आपके प्रयोग ही हो रहे हैं, समझे ना बात को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यादृच्छ प्रयोग क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छ प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए यादृच्छ प्रयोग क्या होता है समझ लीजिए। देखिए जब हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसके परिणाम की पहले से कोई घोषणा ना हो और जिसके संभव जितने जो भी परिणाम मिले, एक से अधिक संभव परिणाम हो और उनके बारे में आप पहले से कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह के प्रयोग को यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। लेकिन अगर यही साइंस का जो प्रयोग कर रहे थे तो आपके यादृच्छ प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि उसका परिणाम हमें पहले से पता है कि एक ही परिणाम हमेशा बार बार आता है। लेकिन अगर हम लोग जो वही एक पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकेंगे तो इसमें हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ देखिए एक से अधिक प्रयोग, एक से अधिक हमें यहाँ परिणाम मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी आ सकता है। और पहले से ये भी घोषणा नहीं कर सकते आपके इनमें से कौन आएगा, दैट मीन्स ये यादृच्छ प्रयोग में आ जाएगा। सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल कोई भी आ सकता है, पता है कि हम इसमें एक से अधिक संभव परिणाम है और इसमें से कोई भी आ सकता है, पहले से कोई घोषणा नहीं की गई, यानी ये भी आपका यादृच्छ प्रयोग होगा। ये आपके प्रयोग भी हैं, लेकिन प्रयोग में कैसे प्रयोग है, यादृच्छ प्रयोग। वही अगर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करता है वो यादृच्छ प्रयोग में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि उसका परिणाम बार बार हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट मीन्स इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यही परिणाम हमें प्राप्त होगा और एक ही परिणाम प्राप्त होगा, तो इसलिए ये आपका एक प्रयोग है, यादृच्छ प्रयोग नहीं है। तो हम लोग यादृच्छ प्रयोग को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिणाम हो तथा जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है, समझ गए।
अब देखिए यदृच्छ प्रयोग में हम लोग क्या देख रहे हैं, यदृच्छ प्रयोग में हमेशा समान परिस्थिति नहीं होती है, अलग अलग आते हैं परिणाम, इसके अलग अलग हो जाते हैं और पहले से आप उस परिणाम की कोई घोषणा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। चलिए हम इसमें बार बार देख रहे हैं परिणाम, हर एक जगह परिणाम आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये परिणाम होता क्या, इसको भी हम लोग थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। परिणाम अंग्रेजी में इसको आउटकम बोलेंगे, आउटकम। चलिए, तो परिणाम को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई यदृच्छ प्रयोग किया जाता है उसमें जो भी नतीजे प्राप्त होते हैं ना, संभावित नतीजे जो होते हैं इसके क्या कहलाते हैं, परिणाम कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी किसी यादृच्छिक प्रयोग की संभावित नतीजे, संभावित नतीजे, संभावित नतीजे इसका परिणाम कहलाता है, इसका परिणाम कहलाता है, परिणाम कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए परिणाम क्या होता है। जैसे आप एक पासे को फेंक रहे हैं तो एक दो तीन चार पांच छह हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके परिणाम है। ये यदृच्छ प्रयोग होता है ना एक पासे को फेंकना, तो ये सभी के सभी जो यहाँ पर देख रहे प्रयोग करने पर, जो ये परीक्षण करने पर जो ये प्राप्त हो रहे एक दो तीन चार पांच छह, ये सभी क्या है, आपके परिणाम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है। ठीक है, प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट यानी सैंपल स्पेस, सैंपल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, देखिए जब कोई प्रयोग किया जाता है और उसमें जितने भी सभी संभव परिणाम हो उनको हम लोग एक समुच्च के रूप में जो लिख देते हैं वही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले, उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों का देते हैं कि समुच्चय को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं या प्रायिकता समिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो एस से सूचित किया जाता है। अच्छा, मैं एक पासे को फेंक रहा हूं तो एक दो तीन चार पांच छह हमें यही ना प्राप्त होगा, तो ये आपका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा एक पासे को फेंकने के लिए। हमने प्रयोग क्या किया, एक पासे को फेंका, तो एक पासे को फेंका तो हमें एक दो तीन चार पांच छह ये सब परिणाम मिल सकते हैं, इसी को हम लोग एक समुच्च के रूप में लिख दिए हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रतिदर्श समिष्ट को ऐसे सूचित करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर यह आपका क्या हो गया, एक प्रतिदर्श समिष्ट हो गया। समझ गया, यानी कि जितने भी किसी प्रयोग में, किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी परिणाम होते हैं उन सभी का समुच्च, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है उसके लिए। समझ गए। अच्छा, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल हमें प्राप्त होगा, दैट मीन्स ये भी आपका सिंपल स्पेस हो जाएगा एक सिक्के को उछालने के लिए। समझ गए। चलिए अब देखते हैं प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है। फाइव नंबर में प्रतिदर्श बिंदु कहिए या घटना बिंदु कहिए। सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या होता है। चलिए,
तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्रतिदर्श समिष्ट के अवयव होते हैं ना, उनको प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों को, प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों को, अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु, घटना बिंदु कहते हैं। समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक सिक्के को उछाल रहा हूं, तो सिक्के को उछालूंगा तो मुझे हेड या टेल मिलेगा, मुझे हेड या टेल मिलेगा। तो यहाँ पे जो हेड या फिर टेल देख रहे हैं, यहाँ पर ये हेड और टेल क्या है? प्रतिदर्श बिंदु है। मैं एक पासे को फेंकता हूँ तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरिया सैंपल स्पेस मिलेगा। इसका प्रतीक एक को भी कह सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, हर एक को क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है। ठीक है, विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट, विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है? यानी कहते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है? तो जिसमें ऐसा प्रतिदर्श समिष्ट जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, फाइनाइट हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि वैसा प्रतिदर्श समिष्ट जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए समझ गए। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे पासे को फेंकना, सिक्के को उछालना, ये सब क्या है? विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट है। पता है ना कि क्या क्या आ सकता है ना? आप देख रहे थे जैसे पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसमें ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, इस सेट के अंदर। ये प्रतिदर्श समिष्ट कैसा है? विविक्त है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं घटना क्या होता है, इवेंट क्या होता है। घटना यानी कि इवेंट। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिदर्श समिष्ट के जितने भी उपसमुच्चय होंगे ना, वह घटना कहलाते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि प्रतिदर्श समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, देखिए जनरली ये घटना को ए बी सी से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो, मैं पहले कह रहा हूँ कि एक पासे को फेंका जा रहा है, तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आपके प्रतिदर्श समिष्ट के अवयव होंगे, यही प्रतिदर्श समिष्ट होगा। और मैं यहाँ पे ए जो है घटना है, कैसी घटना है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सम संख्या प्राप्त होने की। तो सम संख्या इसमें कौन कौन सा है? तो यहाँ पर हमें 2, 4 और 6 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ सम संख्या प्राप्त होना, यहाँ एक घटना हो गई, इवेंट हो गई। और यहाँ 2, 4, 6 प्राप्त हो रहा, तो देखो ये उपसमुच्चय है ना जी, इसका सबसेट है इसका, क्योंकि इसके सारे के सारे इसमें अवयव हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक क्या कह देता हूँ, अभाज्य संख्या प्राप्त होना, तो यह भी आपका एक घटना है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, एक अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 है, 3 है और 5 है। दैट मीन्स ये भी आपका सिंपल स्पेस का उपसमुच्चय है ना जी, सबसेट है ना जी, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, एक इवेंट है, घटना है। समझ गए, दोनों घटनाएं होंगे।
तो जितने भी इस प्रतिदर्श सम्मिश्र के उप समुच्चय लिख सकते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, घटना कहलाएंगे। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घटना का घटित होना। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, घटना घटित होना, घटना घटित होना यानी ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑकरेंस ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, क्या होता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि एक पासे को फेंक रहे हैं तो उस पर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 यही मिलेगा। मैं यहाँ पर ए एक घटना कह रहा हूँ कि जो घटित हो रहा है सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या प्राप्त होना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सम संख्या प्राप्त होना। तो सम संख्या प्राप्त होना, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सम संख्या में 2, 4 और 6 आएगा। ये जो घटना है अब मैं कह रहा हूँ कि सम संख्या एक आ रहा है, तो यानी 2, 4 या 6 तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये इसका उपसमुच्चय मिल रहा है ना जी, मिल रहा है। तो हमें उस समुच का अगर एक भी अवयव उसमें शामिल होगा उस घटना में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सम संख्या की बात करें तो सम संख्या तो बहुत होती है ना जी, अनंत तक चलेंगे 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन उसमें हमें यह देखना होगा कि वो प्रतिदर्श सम्मिश्र में है कि नहीं, है ना जी। तो प्रतिदर्श सम्मिश्र के एक भी अवयव उसमें होंगे तो घटना घटित नहीं। अगर हम कहें कि पासों को पे करें सम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो सम संख्या प्राप्त हो रहा है तो सम संख्या में 2, 4 या 6 तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। अगर तीनों में से कोई एक भी आ रहा है तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि घटना आपकी घटित मानी जाएगी। ठीक है, जो सैंपल स्पेस होगा उसी में ना देखेंगे, अब सम संख्या में टोटल सम संख्या थोड़े देखने जाएंगे जी। चलिए तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि यदि यदि यादृच्छिक 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 प्रयोग का परिणाम परिणाम किसी घटना किसी घटना को दर्शाने वाले उपसमुच का एक अवयव हो तो घटना घटित हुई मानी जाती है, मानी जाती है, अन्यथा अन्यथा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पासे को फेंके और पासे को फेंके हो तो उस पे अगर हम कह रहे हैं कि सम संख्या प्राप्त होना, तो सम संख्या प्राप्त होना जब पासे को फेंकेंगे तो हमें 2, 4 या 6 इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी मिल जाता है, एक भी आ जाता है, दैट मीन्स उस घटना को घटित मानेंगे और नहीं तो नहीं। अगर हम लोग पासे को फेंके हमें मिल गया एक, तो सम संख्या तो प्राप्त नहीं ना हुआ, चाहे 3 मिल गया चाहे 5 मिल गया, तो सम संख्या नहीं प्राप्त हुआ तो घटना घटित नहीं मानी जाती है। समझ गए बात को। तो अगर मान लो कोई घटना ए जो घटित हो रही है और अगर उसके नहीं घटित होने की बात करेंगे तो उसको ए नॉट से या ए डैश से सूचित करते हैं। ए सम संख्या प्राप्त होने की घटना है तो ए डैश क्या हो गया, सम संख्या प्राप्त नहीं होने की घटना है, सम संख्या प्राप्त नहीं होना। समझ गए ना, उसको ए डैश या ए नॉट इसे पढ़ेंगे, ठीक है, ए नहीं। समझ गए, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।